अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कुवत अली। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पंजीरी की रेसिपी, और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इसको हम आज बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, और इसको आज हम देसी घी में बनाएंगे। और देसी घी की रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर हमने लिया 1/4 कप देसी घी, इसको हमने घर में बनाया है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान है इसको बनाना। हमने 1.5 कप यहाँ पर लिए हैं फूल मखाने, इनको हमने रोस्ट करना है घी के अंदर जब तक ये थोड़े से क्रिस्पी ना हो जाएं, और एकदम लो फ्लेम के ऊपर आपने इनको रोस्ट करना है। ज़्यादा डार्क सा कलर इनको नहीं देना, कलर इनका हमने चेंज नहीं करना, बस इनको थोड़ा सा क्रिस्पी कर देना है। ये देखें हो गए ये क्रिस्पी, और आपको पता चल जाएगा इनमें से आवाज़ आने लग जाएगी, तो समझ जाएँ क्रिस्पी हो गए। अब इनको हम निकाल लेंगे बाउल के अंदर, और दोबारा से हम 1/4 कप देसी घी ऐड करेंगे। और यहाँ पर हमने लिया है 1 kg बादाम, और अब हमने क्या करना है, बादामों को भी इस तरीके से भून लेना है देसी घी के अंदर। और ये सारी चीज़ें देसी घी के अंदर ही आपने करनी है, ऑयल या डालडा घी वगैरह के अंदर नहीं करनी, वरना आपकी जो पंजीरी है वो इतनी अच्छी नहीं बनेगी। देसी घी से इसका फ्लेवर अच्छा होता है। और अब बादामों को भी उसी बाउल में डाल देंगे। अब हमने क्या करना है, दोबारा से 1/4 कप वो उसका बादामों का बचा था, वही 1/4 कप हमने डाला था ना, वही वाला ये देसी घी बचा है, इसके अंदर हम 1/2 kg पिस्तों को भी भून लेंगे, रोस्ट करेंगे, फ्राई करेंगे इनको इसके अंदर। और एकदम लो फ्लेम के ऊपर ये सारे आपने काम करना है, वरना इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डार्क सा कलर आ जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा, और इससे फ्लेवर भी ख़राब हो जाएगा। एकदम लो फ्लेम के ऊपर आपने करना है थोड़ी सी देर के लिए। और देखें हमारा कलर ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, हल्का सा बस गोल्डन हुआ है ये। तो हमारे जो आइटम्स हैं इनको हमने कर लिया है। अब हम चलते हैं रेसिपी के आगे। तो यहाँ पर हमने दोबारा लेना 1/4 कप देसी घी, और अब हमने इसके अंदर ऐड करना है 1 कप गूंद, गूंद ऐड करना है हमने 1 कप। इसको हमने पीस लिया है इस तरीके से, थोड़ा छोटा छोटा किया हुआ है इसको हमने, और इसको हमने फ्राई करना है घी के अंदर। और ये फूलने लग जाता है, ये इसकी पहचान है कि गूंद आपका अच्छा है। ये देखें कैसे फूलने लग गया ये, और फूल जाए तो समझ जाएं आपका गूंद बहुत ही ज़बरदस्त है। और 1/4 कप हमने लेना है देसी घी, इसके अंदर ऐड करनी है 1 कप सूजी, और सूजी ऐड करने के बाद इसको भी हमने भून लेना है इसके अंदर। आप देख रहे होंगे हम बार बार थोड़ा थोड़ा करके 1/4 कप देसी घी ऐड करते जा रहे हैं इसके अंदर। और इस तरीके से आपने इसको भी सुनहरा करना है, गोल्डन कर देना है, थोड़ा सा भून लेना है ताकि इसका जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। और अब हमने इसके अंदर 1/4 कप देसी घी और ऐड कर देना है, और अब हमने ऐड करना है इसके अंदर 1 कप माश की दाल का आटा। ये आपको किसी भी करियाना पे, किसी भी सुपर स्टोर पर मिल जाएगा इजीली। और ये देखें इसको हमने ऐड कर दिया इसके अंदर, और अब चम्मच इसको भी भून लेंगे हम ताकि इसका भी कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इन चीज़ों को हमने अच्छे से भून लिया है, और इनको साइड पर करते हैं। आप ये देखें कैसा कलर आ गया इनका। और इसको ठंडा हो जाने के बाद हमने जो बादाम पिस्ते वगैरह थे ना, फूल मखाने वगैरह जिनको हमने रोस्ट किया था, वो अब इनके अंदर मिक्स कर देंगे। इनको हमने अच्छे से पीस लिया था, और अब 1 कप पाउडर वाली चीनी ऐड करेंगे हम। पिसी हुई चीनी ऐड करनी है हमने इसके अंदर, मोटी मोटी चीनी अच्छी नहीं लगेगी। 1 कप ऐड की हमने, और ये हमारा जो गूंद है इसको हमने पीस लिया है, जो गूंद हमने फ्राई किया था उसी को हमने पीस लिया, छोटा छोटा सा मशीन के अंदर पीस लिया इसको इस तरीके से पाउडर फॉर्म में। और पंजीरी पाउडर फॉर्म में ही होती है, ये देखें इस तरीके से। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो पंजीरी है वो तैयार है। और इसके अंदर रेसिपी के अंदर पूरा 1.5 कप घी का गया है, देसी घी का 1/4 कप हमने बार बार ऐड किया, तो ये पूरा 1.5 कप बना है। और आप बच्चों को 2 चम्मच दें, बड़े 4 चम्मच खाएं सुबह सुबह। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ मिलता है आपसे, दो मात्र के तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।